शुभ नाम क्या है? उमंग। उमंग। हॉस्पिटल में फर्स्ट ईयर से आपका क्लास? हाँ हम जा रहे हैं, कल ही जा गए हैं। यू आर आल्सो इन द फर्स्ट ईयर? तो ड्यूटी लगती है? नहीं ड्यूटी नहीं, जनरल सर्जरी चल रही है। फर्स्ट ईयर में जनरल सर्जरी? हाँ मतलब जैसे ऑब्जर्वेशन ड्रेसिंग भी करते, कल भी हमने ड्रेसिंग की थी डायबिटिक पेशेंट्स की। फर्स्ट ईयर में? अच्छा ये तो कमाल है इसका। अच्छा यार ये तो अभी तो बात है ना। नहीं तो जैसे आपका ड्यूटीज होता है, कैसे होता है? नहीं ड्यूटीज नहीं होता हमारा, पहले फर्स्ट टाइम डॉक्टर लेके जाते हैं। हाँ। और जैसे पहले दिखाते हैं एक दो क्लास में, उसके बाद में बोलते हैं आप खुद करो। ओके। खुद अप्लाई करके देखते हैं, खुद हमने प्रैक्टिकल भी किया है, कल ही किया है। और दो बार ऑपरेशन में गए थे, डायबिटिक मेलेटिस टाइप 2 में गए थे। उसके दो ऑपरेशन देखे हमने, कल ही देखे हैं और एक लास्ट में। फर्स्ट ईयर में सर्जरी करवा रहे हैं? हाँ बहुत सही है। इंडिया में तो नहीं, इंडिया में थर्ड ईयर से पहले नहीं है। तो बहुत अच्छा, लाइक हॉस्पिटल के वार्ड्स में ये सब में पेशेंट से इंटरेक्शन सब। हाँ ड्रेसिंग होती है हमारी, वेट करते हैं। बीपी चेक करना, पेशेंट को कैसे उठाना है, करना है, केयर करनी है, तो अभी सिखा दिए। तो डायरेक्ट पेशेंट पे आपको सीखने? हाँ डायरेक्ट पेशेंट पे। मैं यहाँ मतलब कि मैं बता रहा हूँ, मैं एक नंबर पाया, दो नंबर की क्लास थी। और वो तो मेरे को उसमें ऑपरेशन थिएटर में ले गए, मुझे मालूम ही नहीं हो क्या रहा है। मुझे पता लगा, हाँ भाई 4 तारीख की क्लास है, चलना है, हम गए दो ऑपरेशन देखे थे मैंने, तो 3 साल के बच्चे पे था। घबराहट हो रही, बच्चा कट रहा सामने, करे तो करेगा। बोला भाई डॉक्टर को सेल करना पड़ेगा। जैसे कि आपके ग्रुप में 14 मेंबर है, साथ साथ को लेके जाएगा। ओके। 10-10 मिनट 20-20 मिनट के लिए। ओके। देखो पूरे भाई ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, मैं देखा है जी चल क्या रहा है, चलने सब नहीं होता है। वो एकेडमिक जो आपका शेड्यूल होता है उसके अंदर ही ये। हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल। जैसे ये देखो, ये देखिए, ये कल ही है ना, जैसे अभी देख के आए पेशेंट्स हैं ऐसे, ये डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट मेलेटिस टू मेलेटिस। जैसे ये बताते हैं कौन सी दवाई है, कौन सी एंटीसेप्टिक लगानी है। मेरे सामने प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश आता है उनको? हाँ इंग्लिश अच्छा, इंग्लिश वाली। बाकी जैसे पेशेंट के साथ में अपने को कम्युनिकेट करना, उसके लिए रशियन, उसके लिए रशियन क्लास लगती है। हाँ बेसिक तो सीखना पड़ेगा तभी जाके, क्योंकि बूढ़े लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर सभी इसके टास्किंग की पर्सनल उनके खुद के। हां नेम्स कुछ नहीं है इसके आगे, देख लो बहुत बड़ा, ये कितना बड़ा है आप देख सकते हो। नजर जा रही है जहां से चलते जाओ, इधर चलो। हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में कम से कम 5 से 6 फ्लोर है। यहां पे बेसिक थियरी भी इधर लगता है, थ्योरी क्लास। फिर उनका थ्योरी होगा तो हमारा लगेगा। ओके ओके। ऐसे नहीं है कि भीड़ हो रही है, इंडिया की तरह हमारी मंडे को इनकी वेडनेसडे को आएगी वो क्लास, और इनके वेडनेसडे को सी ग्रुप की सैटरडे को आएगी वो क्लास।
ये कौन सा